वामपंथी विचारकों की गिरफ्तारी को लेकर बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती ने मोदी सरकार को निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा कि दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों के प्रति शोषण, अत्याचार और जमीन बेदखली के खिलाफ लड़ने वाले बुद्धिजीवियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के खिलाफ सरकार दमन चक्र चला रही है। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने कहा कि देश भर में जिस तरह से गिरफ्तारियां हुई है, ये सत्ता का दुरुपयोग और निरंकुशता की पराकाष्ठा है। इस घटना की जितनी निंदा की जाए वो कम है। मायावती ने कहा कि बीजेपी सरकार ने अपनी विफलताओं से ध्यान हटाने के लिए ऐसी कार्रवाई की है। सरकार के इस रवैये से लोगों में आक्रोश है, जिसे स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष ने कहा कि बीजेपी सरकारों को अपनी जनविरोधी नीतियों के साथ साथ लोकतंत्र विरोधी नीतियों और कार्यप्रणाली से बचना चाहिए। यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने कहा कि नक्सल समर्थक के नाम पर देश के कई राज्यों से कवि, वकील, प्रोफेसर और बुद्धिजीवियों को गिरफ्तार किया गया है, ये सही नहीं है। बता दें कि भीमा कोरेगांव हिंसा से जुड़े मामलों में मंगलवार को देश के कई हिस्सों में वामपंथी विचारकों की गिरफ्तारी और उनके ठिकानों पर छापेमारी हुई है। इसमें पुलिस ने सामाजिक कार्यकर्ता गौतम नवलखा, प्रसिद्ध कवि व लेखक वरवरा राव, सुधा भारद्वाज, अरुण परेरा और वर्नोन गोंजाल्विस को गिरफ्तार किया। पुलिस की छापेमारी महाराष्ट्र, गोवा, तेलंगाना, दिल्ली और झारखंड में की गई।